जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और सभी मित्रों को जो हमारे एस्ट्रो आज के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो डेली वीडियो देखते हैं, राशि की वीडियो देखते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि साल 2020 यानी 2020 की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और उनके लिए मैं एक मंत्र का जाप करना चाहता हूं, वो मंत्र बोल देता हूं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जितने भी हमारे YouTube सब्सक्राइबर हैं, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, नारायणी उनका वर्ष 2020 बहुत बढ़िया करे। वर्ष 2020 में दूधो नहाए फले पूते, इस तरह की हमारी कामना है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक खास विषय के बारे में, यानी कि कुंडली के अनुसार कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, पुनर्विवाह के बारे में, जिसे कहते हैं कि एक बार डिवोर्स होके जो रीमैरिज योग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, किन कुंडलियों के अंदर ये पाया जाता है और इसके ग्रह योग कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो बालक है ना, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा है हमारा, तो देखते हैं वो 2020 में क्या संदेश लेके आया है। आइए 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 जी। ये जी मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अवार्ड की मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे, माता रानी करे कि आप लोग भी फले फूले और अच्छी ग्रोथ करें। यही एस्ट्रो आज फैमिली का, इस चैनल का उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिले और आपको कुछ आपका लाभ हो। इसके लिए अवार्ड के लिए आप लोगों का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कुंडली के अंदर जो आपका संबंध का योग होता है या पुनर्विवाह योग होता है। बहुत सारे मित्रों आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और हर वीडियो में लगभग बहुत सैकड़ों की तादाद में मित्रों आप लोगों का कमेंट आता है। क्षमा चाहूँगा, हर कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ और हर कमेंट के जवाब देना संभव भी नहीं है मित्रों। लेकिन कुछ कमेंट हैं जो एक जैसे हैं कि ज़्यादातर लोगों के कमेंट आए कि गुरुजी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसा होता है या रीमैरिज योग कैसे पता चलता है, हमें किसी पंडित जी ने एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया रीमैरिज योग है और हम जो है तब से टेंशन में आ गए, या हमारा पति और पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, हम दोनों में बन नहीं रही है, क्या हमारा डिवोर्स होगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के मेरे पे आते हैं। तो इसके ऊपर महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ने एक रिसर्च की है, रिसर्च भी मैं बताना चाहूँगा, 11,000 कुंडलियों में रिसर्च की है इस योग के ऊपर, जिसमें 9,000 कुंडलियों में सही पाई गई। लेकिन मित्रों ऐसा भी नहीं है कि आप सब में ही ये जो कॉम्बिनेशन है वो लागू होगा। अगर आपकी स्थितियाँ सिम्टम्स कुछ ऐसा लग रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बड़ा लाभकारी है और उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस सिचुएशन में हैं या पति पत्नी में विवाद चल रहा है, कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, या मायके में बैठ के आपकी पत्नी रह गई है या पति आपको दूर चले गए, तो ये सिम्टम्स आपके लिए लाभकारी है, हर किसी के लिए नहीं है मित्रों। इसलिए ये 11,000 कुंडलियों में ये रिसर्च है, जिसमें से 9,000 में ये ठीक बैठी है। ये रिसर्च बेस्ड मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं लेकिन रिसर्च के अनुसार जो कॉम्बिनेशन हम लोगों को पाया गया, हमने देखा ज्यादातर कुंडलियों के अनुसार, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध, या जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध या रीमैरिज के लिए सबसे बड़ा कारक जो ग्रह होता है ना मित्रों, वो शुक्र होता है। यदि कुंडली के अनुसार लग्न में शुक्र होगा, सप्तम भाव में यदि शुक्र होगा, तो शुक्र क्या है, लग्जरी का कारक होता है। ठीक है जी, शुक्र क्या है, शुक्र को ज्योतिष में कहा गया है कि वो स्त्री फलदायक ग्रह है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर शुक्र आपका
लगन में या सप्तम स्थान में बैठ जाए मित्रों, और खासकर नीच राशि का जैसे सिंह राशि में यदि वो बैठ जाता है, या वो वृश्चिक राशि के अंदर बैठ जाता है, या वो मीन राशि के अंदर बैठ जाता है, यानी कि ऐसी जो राशियां उसकी मित्र नहीं है मित्रों, उसमें अगर लगन और सप्तम स्थान में अगर बैठ जाता है, तो ऐसे में मैरिज योग या कहते हैं री मैरिज योग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अधिकतर संबंध ज़्यादा होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि लगन और सप्तम भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। यदि किसी की कुंडली में लगन भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं या सप्तम भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठ गए मित्रों, तो ये चांस है रीमैरिज योग के, ये चांस है अधिकतर संबंधों के, यानी कि आप समझते हैं फिजिकल संबंधों के ये चांस हो जाते हैं। तो और तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि सातवां भाव जो जिससे हम क्या देखते हैं विवाह के बारे में देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा रहेगा, पार्टनर की स्थिति कैसी रहेगी, पार्टनर कब मिलेगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, संतान होगी या नहीं होगी, सब कुछ देखा जाता है। संतान का अभाव पंचम भी होता है लेकिन सप्तम भी होता है, क्योंकि पार्टनर के बिना संतान नहीं हो सकती मित्रों। अक्सर लोग क्या करते हैं पंचम भाव से ही देख लेते हैं, पंचम भाव जनरली आपके पेट का होता है मित्रों। यदि पार्टनर के साथ में अगर उसको मिल के देखोगे तो ज़्यादा अच्छा संतान का पता चलेगा। सप्तम भाव से ये सारी चीज़ें देखी जाती है, पार्टनर से संबंधित सारी चीज़ें देखी जाती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी मित्रों छठे में बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए या बारहवें में बैठ जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ गया कोई बात नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी ना चले, ऐसा हो सकता है, या वाद विवाद ज़्यादा रहे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मित्रों छठे आठवें बारहवें भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठ गया और कहीं ना कहीं उसका बुध या शुक्र से संबंध हो गया, तो ऐसे में मैरिज चलेगी नहीं, डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर जो है कुंडलियों में देखा जाए तो 70-80% जो रिलेशनशिप है वो किसी न किसी कारण बस टूट जाते हैं, या तो पार्टनर दूर चला जाता है, पार्टनर चीट कर जाता है, पार्टनर की डेथ हो जाती है, या पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि 11,000 कुंडलियों में शोध किया है। तो सप्तम का जो स्वामी है 6-8-12 भाव में बैठ जाए और शुक्र और बुध से उसका युति में या दृष्टि में संबंध हो जाए, तो मित्रों कहीं ना कहीं ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। उसी तरह से सप्तम भाव का स्वामी जो 7th हाउस का लॉर्ड है ना, वो नवांश कुंडली में जिसे कहते हैं D9 कुंडली में 6-8-12 भाव में बैठता है, तो तब भी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल पाता, टिक नहीं पाता है, चाहे आप प्रेम विवाह करें, चाहे अरेंज मैरिज करें, चाहे आप लव मैरिज करें, अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी 6-8-12 भाव में D9 कुंडली में बैठ जाता है तो ये स्थिति भी डिवोर्स की होती है। साथ ही साथ कुंडली के अनुसार कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शुक्र के साथ में केतु का होना, शुक्र के साथ में राहु का होना भी कहीं ना कहीं, शुक्र क्योंकि दाम्पत्य जीवन का कारक है, खुशहाली का कारक है, ठीक है जी, इसके साथ में अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ में केतु बैठा है, शुक्र के साथ में राहु बैठा है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसे में दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता है, या अनेकों अनेक स्त्रियों के संबंध आते हैं। लेकिन महर्षि भृगु ज्योतिर अनुसंधान ने जब 100 कुंडलियों में रिसर्च किया तो 40 में ही ये थ्योरी सही बैठी, यानी कि 40% है, नॉट एक्यूरेट। हाँ, शुक्र के साथ में केतु, शुक्र के साथ में राहु अगर होता है मित्रों तो आपकी कुंडली में लज्जित दोष बनता है, आप एक बार अपयश को, झूठे अपयश को प्राप्त होंगे। ये अगर रिसर्च में करें तो 100 कुंडलियों में 90% कुंडलियों में बिल्कुल सत्य पाया गया, तो इसको तो हम मान सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि शुक्र के साथ में केतु, शुक्र के साथ में राहु बैठने से जातक के बहुत सारे संबंध हो जाते हैं, जातक का मैरिटल लाइफ ख़राब हो जाती है, तो ये बात कहीं भी सत्य जान नहीं पड़ती, क्योंकि 40% इसका आंकड़ा है। मैं रिसर्च बेस्ड बात करूंगा मित्रों, हवा में बात नहीं करूंगा, पढ़ी पढ़ाई बातों पे बात नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बातों में हमारा चैनल बात करता है, जिस पर हम शोध करते हैं तब हम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हम। दूसरी चीज़, अगर जो एक और कॉम्बिनेशन है, यदि लगन या सप्तम स्थान में राहु बैठता है मित्रों,
तो अगर आपकी कुंडली में लगन भाव में राहु बैठा है या सप्तम भाव में राहु बैठा है तो वो भी दाम्पत्य जीवन को खराब या रीमैरिज को करवाने वाला होता है। बहुत बार मैरिज नहीं होती, मैरिज होके टूट जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं यदि लगन और सप्तम भाव में राहु होता है। तो मित्रों, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया जो कि हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, इस पर कम से कम हम जो है 7 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन अभी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में और ज़्यादा कॉम्बिनेशन नज़र आए तो आपको उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में मित्रों मैंने आपसे एक चर्चा की है, एक तो रीमैरिज के बारे में, क्योंकि शास्त्रों के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है, जितना लिखा गया है उसको भी अध्ययन किया गया है हमारे संस्थान में। दूसरा चीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। और मित्रों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी मित्रों।